अरे काशी के बसैया है, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया, भंग के छनैया और गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ है नाम। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया पर काशी के खेवैया, भंग के छलैया, भंग के छलैया, भंग के छलैया और गंग के धरैया, भंग के छलैया, गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ। पर काशी के थे भैया नाथ, भंग के छलैया आरो गंग के धरैया, तुम भोलेनाथ भोलेनाथ। काशी के बसैया, काशी के बसैया, काशी के बसैया। काशी, इसको पौराणिक ग्रंथों में काशी कहा गया है और अभी तक हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम नगरी होने का इसको गौरव प्राप्त है, जो आज तक कभी ध्वस्त नहीं हुआ। बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है और उसमें हमारे बनारस के दिग्गज लोग थे, प्रसिद्धू मनोहर जी, शिवा पशुपति जी, शिवदास जी, प्रयाग जी, पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, ठाकुर प्रसाद जी, लक्ष्मी प्रसाद जी, न जाने कितने ऐसे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो कि काशी की गरिमा को उच्च शिखर उन्होंने प्रदान किया। ऐसे ही तबला वादकों में हुए हैं और यहाँ पे जो संगीत की परंपरा रही है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से यहाँ से संगीत का उद्भव हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि शंकर के मुख से राग का प्राकट्य हुआ है, उनके डमरू से ताल आया है, तो ये जरूर होगा, क्योंकि काशी एकमात्र ऐसा स्थान रहा है जिसका कि पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में जिक्र आता है। तो इस हिसाब से यहाँ संगीत की सरिता गंगा के रूप में बहती हुई आ रही हैं और अभी तक यहाँ एक से एक बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, पंडित राम साहेब जी ने, जिन्होंने बनारस घराने का तबला का एक नींव रखा। तो इस तरीके से ये काशी जो है बहुत ही गरिमामय क्षेत्र रहा है संगीत के बारे में और यहाँ के सुधी श्रोताओं के भी भीतर संगीत की बड़ी ललक हुआ करती थी कि संगीत को कैसे सुना जाए, कैसे देखा जाए। यहाँ की प्रसिद्ध गायिकाएं हुई जो कि गुरुओं से, बड़े बड़े पंडितों से, गुरुओं से उन्होंने तालीम लिया और अपने नाम को बड़ा उच्चता प्रदान किया। जैसे विद्याधरी देवी जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, बहुत सारी ऐसी गायिकाएं हुई जो कि उरोज पे अपने संगीत को ले गई और सारे दुनिया में उनका नाम हुआ। तो ये काशी का ही देन है, काशी की मिट्टी, काशी की गंगा जो है वो सुरीलापन ला देता है, एक माधुर्य ला देता है, एक अंदर सहजता ला देता है। यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के गाने बजाने में आपको एक सुकून मिलेगा, एक ठहराव मिलेगा, बेचैनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो है लोग शांति से गंगा के रूप में, जैसे गंगा शांत है, वैसे ही शांत रूप से यहाँ गाया बजाया करते थे लोग और उनके गायकी में भी वो झलकता रहा है। तो हम लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि काशी में हमारा जन्म हुआ और वो भी हमारे यहाँ करीब 350 वर्षों की हमारे घर की परंपरा रही है, उस परंपरा में जन्म लिए। तो आँख
जब से खुला कान, जब से सुनने योग्य हुआ, तब से हम संगीत सुनते हुए आ रहे हैं और संगीत कर रहे हैं और उसी परंपरा को जीने का कोशिश कर रहे हैं और बाबा के नगरी में उस आनंद को प्राप्त करने का चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बांग्ला में आप इस चीज़ को बच्चों के लिए ये प्रस्तुति बना रहे हैं ताकि उनको काशी के बारे में, बनारस घराने के बारे में थोड़ी जानकारी हो पाए। मेरी बहुत सारी शुभकामना, ढेरों सारा प्यार बच्चों के लिए, सभी दर्शकों के लिए बहुत ढेर सारा शुभकामना।